इन पंप 15098 ओके। ये मैकेनिकल प्लंजर है, इनको ऐसे प्रेस करके बाहर लाना है जहां तक छोड़ना है, फिर ये 90 डिग्री में ऐसे करना है, यहां से ऑन होगा, 3 सेकंड प्रेस करने से हो गया। फिर आपका सिरिंज जितना भी हो 30 ml का वो फिलअप करना है, यहाँ पे ऐसे लगाना है यहाँ पे, फिर इसको प्लंजर को ऐसे, ये ऑटो सिरिंज साइज डिटेक्ट करता है, जो 30 ml 50 ml यहाँ पे आपको दिखाई देगा कितना ml आ रहा है, अभी 30 ml है, 30 ml आ रहा है। फिर शो हो रहा है रेट, जो ब्लिंक हो रहा है वो पार्ट आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप 5 ml है, 58 59, अभी माइनस करना है तो आप ऐसे माइनस करके 5 ml, सब इसको माइनस करना है 0 हो गया, 1 ml 12 ml हो गया। अभी 12 ml को कंफर्म करने के लिए ये ऐश करना है, ठीक है, ये आपका टाइम शो होगा। अभी आपको डायरेक्ट स्टार्ट करना है तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ये एरो से आपको समझ में आएगा अपना इन्फ्यूजन पंप स्टार्ट हो रहा है। अभी इसको वॉल्यूम मोड में लाने के लिए ये वॉल्यूम वाला करना पड़ेगा, वॉल्यूम मोड, वॉल्यूम मोड में हमें वॉल्यूम सिलेक्ट करना है, जैसे ये 30 ml की सीरीज है, हमें सिर्फ 30 ml ये हमने काउंट कर लिया, ठीक है, ये मोड में कर लो, ये ओके हो गया, ठीक है। अभी वापस ब्लिंक में एक बार मोड सिलेक्ट किया वॉल्यूम, अभी हम रेट सिलेक्ट करेंगे टाइम, तो टाइम कितने टाइम में हमें 30 ml देना है वो सिलेक्ट करना है, 30 ml हमें उसको देना है 5 आवर्स में, और अगर हमें पॉइंट करना है 5.5 घंटे तो ये पॉइंट में 5.5 घंटे हो गया, यानी हो गया 30 ml 5.5 घंटे में देना है, इसको ओके कर लेते हैं, फिर इसको स्टार्ट कर लें तो वो ऑटोमेटिकली रेट ले लेगा, बस उतना ही डिफरेंट है। आपको वॉल्यूम भी सिलेक्ट करना है और टाइम भी सिलेक्ट करना है, इसमें दो मोड है, रेट मोड और वॉल्यूम एंड टाइम मोड, ये दूसरा मोड था है वॉल्यूम एंड टाइम मोड का। अभी आपका टाइम लेफ्ट दिखाई देगा जितना जाएगा उस हिसाब से, ये आपको अगर बोलस देना है तो ये डबल बार क्लिक करना है, 800 की स्पीड में वो बोलस जाएगा, इसको स्टॉप करेंगे जितना देना है, सपोज आपको 1 ml 5 ml 2 ml तक देना है, फिर आप स्टॉप कर लो, फिर वापस स्टार्ट कर लो, तो अपना कंटिन्यूस वही मोड में चला जाएगा।